क्योंकि हनुमान जी का कई विग्रह देखने को मिलता है, हाथ में पहाड़ लेकर उठते हुए हनुमान जी, राम जी को सीना फाड़ के दिखाते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद के मुद्रा वाले हनुमान जी। तो कुछ भक्तों का ये सवाल है कि घर में हम कौन सा विग्रह लगाएं, और उसके बाद अगर वो कोई चाहता हो कि षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करे तो किस प्रकार से करें। देखिए हनुमान जी को तो किसी रूप में किया जा सकता है, लेकिन खास करके जो अभय वरदान है, किसी भी देवता का जो अभय वरदान है, मतलब आशीर्वाद वाला, आशीर्वाद वाला, अच्छा, आशीर्वाद देते माना जाता है, दक्षिणा दक्षिण मुख से प्रसिद्ध माना जाता है। इसलिए माना जाता है जो हनुमान जी जो लंका गए हैं और वहाँ से जो वो माता जी को पता करके आते हैं, काज सिद्ध करके आते हैं, जाते वक्त उत्तर हो गया, आने वक्त जो आते हैं दक्षिण हो गया, तो वो मुख ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। अच्छा। कहा जाता है जो दक्षिण मुख हनुमान जी जो है ज्यादा फायदाकारी है, ज्यादा लाभदायक होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि आप अपने घर में उत्तर की तरफ हनुमान जी को स्थापित कीजिए कि वो दक्षिण की तरफ देखें। हाँ। दक्षिण की तरफ लगाएं कि तो उत्तर की तरफ देखें, कैसे लगाएं? नहीं, हनुमान जी का तो पूरब या उत्तर रखें, खास करके ये माना जाता है जो जो देवी देवता हैं वो तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं। हम जो पूजा करते हैं उसमें या तो पूरब या उत्तर दिशा होनी चाहिए पूजा करने वक्त, मतलब जो पूजा करने वाले का, करने वाले का मुख होना चाहिए। अच्छा, पूरब या उत्तर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो देवी देवता सर्वत्र हैं, वो उनको कण कण में विद्यमान है, वो कहीं ऐसा नहीं है जहाँ वो नहीं है। हम जो पूजा करते हैं वो उद्देश्य पूरा जो होता है या तो पूरब या फिर उत्तर, उत्तर। अच्छा, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके पूजा करें। और पंडित जी ने आपने बताया कि जो अभय मुद्रा देने वाला जो विग्रह है हनुमान जी का, उस विग्रह को घर में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा फलदायी ये माना गया है। जी, जब पंडित जी कुछ लोग जैसे सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं मंगलवार या शनिवार को, या फिर हनुमान चालीसा तो लोग रोज ही पढ़ते हैं, उसमें कुछ लोग अगर इसको अनुष्ठान की तरह लें, जैसे कि आपने कहा कि 11 दिन 21 दिन या जो भी 41 दिन है, तो उसके लिए कुछ विशेष नियम है क्या कि हनुमान जी का चालीसा का या सुंदरकांड का? नहीं, विशेष नियम तो नहीं है, लेकिन ये है जो शुरुआत जो होता है वो किष्किंधा कांड का जो 29वां श्लोक से वहाँ से होता है, क्योंकि वो उनका वो विषय संभाग है, वो क्यों होते हैं उस पर निर्भर करता है, वो करके और उनको आसन दे करके गणेश, सबसे पहले गणेश जी को, फिर हनुमान जी को, राम जी को, शिव जी का ये ध्यान करते हुए फिर उनका ध्यान करें, हो सके तो पंचोपचार 10,000 पूजा करें तो अच्छी बात है, नहीं तो दीपक जला करके फिर करें। तो